नहीं पे जी या सनसेट आपला चुकून आहे पण मला एवढं नाही झालं मी स्टॉप खूप घेतलाय हो का हा भाई साहब वेलकम बैक अगेन टू माई चैनल होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग एक्सट्रीमली गुड। तो भाई लास्ट वीडियो से मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ और ठीक 4:30 बजे मैं पहुँच गया था तो करीबन 4.5 घंटे मुझे लगे इस ट्रैक को कंप्लीट करने में और अभी फ़िलहाल समय हुआ है 5। हाँ थोड़ी सी बारिश आने के बाद अभी मौसम जो है नॉर्मल है, बारिश चली गई है बट हाँ इट्स फ्रीजिंग कोल्ड, बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है। और काफ़ी सारे टेंट्स यहाँ पे पिच किए गए हैं जो आप फ्रंट साइड में देख रहे हो, धौलाधार माउंटेन रेंजेस, हिमालयन रेंजेस का पार्ट। और स्पेशली यही देखने के लिए यहाँ तक के लोग स्पेशली मैक्लोडगंज से यहाँ पे क्लाइम करके आते हैं जो कि 8 किलोमीटर का टोटल ट्रैक है। और ये अभी एंड नहीं है, इसके ऊपर और 2 किलोमीटर आपको क्लाइंब करना होगा और वहाँ से इससे भी बेहतरीन नज़ारा आपको उस माउंटेन रेंजेस का मिलेगा। बट हाँ यहाँ से जो भी मिल रहा है बेहतरीन है, शानदार है। बैठ के यहीं पे क्या होगा, तो किस रास्ते से आए हो आप? एक तो जो वाटर पार्क वाटरफॉल, क्या नाम है आपका? नाम कहाँ से आया? मैं गुड़गांव से। कैसी एक्सपीरियंस रहा? बढ़िया था बट हाँ टायर सम थी है? नहीं इससे टफ भी करे हैं। अच्छा क्या किया आपने, कहाँ पे? हमटा करा है। वो कहाँ पे? ये मनाली के ऊपर। वो इससे भी टफ है? बहुत सहमत कर तो फिर आपको कुछ फील नहीं हो रहा है? इससे संपर्क में होते हैं चौकी, यानी आप करते रहते हो? हाँ अच्छे पार्ट। अच्छा तो उसके कंपैरिजन में उसका मतलब ये अभी क्योंकि स्नोफॉल नहीं है थोड़ा ठीक। तो वो कहाँ पे है एक्चुअली जो काम का जो बता रहे? एक तो मनाली साइड हो गया हमारा, चोपटा टूमा हो गया हमारा, केदारनाथ साइड। अच्छा अच्छा गोत्रा, तो ये तो फिर आपके लिए कुछ नहीं है? हाँ ये तो आसान ही है, तरीके से इजी इजी मीडियम, वो तो बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल का होगा वहाँ का। हाँ वो एक्सट्रीम। आप भी कैंपेन के लिए आए हो? ओके सो हाउ यू आर फीलिंग? इट इज अमेजिंग एक्सपीरियंस, द व्यू अमेजिंग। इट्स योर फर्स्ट टाइम और यू हैव बीन डूइंग? फर्स्ट टाइम। सो it's bit harsh to climb, very huh? very 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 because maine abhi isse pehle kabhi track nahi kiya aur ye mera first experience hai, to haan mushkil to kafi hua hai but yahan ka view dekh ke wo mujhe laga ki worth it but to climb and to reach here it's bit it's a not easy, not easy task, huge task. जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहे थे बस एक ही चीज़ का इंतज़ार था कि क्याम कब आएगा, क्याम कब आएगा। और क्याम देखने के बाद जो रिलीफ मिला शानदार था। तो मैं भी कहाँ से आए हो आप? आई एम फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली, ओके फाइन 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 या सो मे बी टुमारो मॉर्निंग यू आर स्लोपिंग डाउन ना? या तो है काफ़ी सारे लोग, न्यू लोग, बिगनर्स, एक्सपीरियंस्ड काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पे। तो हाँ मेन चीज़ आपको बताना रहा कि मैं पहले ना ये सेट कर दूँ उसके बाद आपको बताता हूँ। तो एक्चुअली ये जो मेरा ट्रैक था वो मुझे मैक्लोडगंज या फिर आप बक्सू जो टाउन है जहाँ पे मैं अभी रुका था वहाँ से ये मैं बुक किया। और करीबन आप इंडिविजुअली विदाउट एनी गाइड आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हो या फिर गाइड के साथ भी आप यहाँ पे आ सकते हो। बट हाँ अगर आप बिगनर हो तो ये बेटर रहेगा कि आप गाइड करके यहाँ पे आइएगा।
काफ़ी सारे ट्रैवल एजेंट आपको इस ट्रैक के लिए मिल जाएंगे और बिगनिंग में आपको काफ़ी रेट बताएंगे, वो 1500 से स्टार्ट करेंगे, बट इट डिपेंड्स हाउ यू आर गोइंग टू बार्गेन विद देम। तो मे बी यू शुड ट्राई फ्रॉम 700 से आप स्टार्ट कीजिए। अगर उस वो पीरियड अगर आप ज़्यादा टूरिस्ट इस एरिया में नहीं आते हैं तो इवन 600 रुपीज़ में भी आपको मिल जाएगा। और जो ये मैं बुक किया हूँ वो मुझे 800 में पड़ा है। 800 में आपको ये लोग ये जो आप टेंट देख रहे हो ये टेंट प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा आपको ट्रैकिंग के दौरान छोटा एक स्नैक्स दिया जाए जो अभी तक के मुझे नहीं मिला है। बोला जा रहा है कि अभी शायद दिए देंगे, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर देम। और दूसरी बात को यहाँ पे डिनर प्रोवाइड किया जाएगा। डिनर जो रहेगा वो अनलिमिटेड रहेगा, जितना आपको खाना है अनटिल यू आर सेटिस्फाइड तब तक क्या आप वो खा सकते हो। और मॉर्निंग जिस समय आप स्लोप डाउन करोगे वापस मैक्लोडगंज की ओर, उस समय भी आपको ब्रेकफास्ट दिया जाएगा, वो भी अनलिमिटेड रहेगा। तो हाँ, 800 या फिर जिस भी रेट में आप गाइड फिक्स करते हो उस रेट में आपको एक तो टेंट मिलेगा, गाइड मिलेगा साथ में, जो हमारे साथ नहीं था। काफ़ी सारे टूरिस्ट होने की वजह से हम इंडिविजुअली यहाँ पे आए विदाउट एनी गाइड। और इसके अलावा आपको रात का डिनर मिलेगा, ब्रेकफास्ट मिलेगा, और वापसी के दौरान स्टिल आपके साथ वो गाइड भी रहेगा। तो हाँ, तो कुछ ये था इस ट्रैक का डिटेल। और यहाँ पे आने के लिए आपको दो रास्ते हैं। जिस रास्ते से मैं आया वो बंगशू फॉल, जो कि वाटरफॉल आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में क्लाइंबिंग के दौरान, उस वाटरफॉल के थ्रू हम आए थे। तो हाँ, वो एक ट्रैक है, उससे आप आ सकते हो। बट हाँ, वो ट्रैक जो है वो काफ़ी स्टीपी रहेगा कंपेयर टू एक अनादर रूट है इस ट्रुएंड ट्रैक के लिए, जो आपको शांगलू टेंपल से मिलेगा। और जो बक्सू जो टाउन है वहाँ से शांगलू जो टेंपल है वहाँ तक आपको टैक्सी करना पड़ेगा, और टैक्सी आपको उस शांगलू टेंपल ड्रॉप करेगा और वहाँ से आपको क्लाइंबिंग आपको शुरू करना पड़ेगा। और हाँ, वो बिट एक्सपेंसिव है कंपेयर टू द दिस ट्रैक जिस ट्रैक से मैं आया हूँ, क्योंकि उनसे टेंपल के लिए आपको कार ही हायर करना पड़ेगा, आपको ऑटो नहीं मिलेगा। और वो कार आपको 400 से लेकर 700 रुपये तक के चार्ज करेंगे, डिपेंड हाउ यू आर गोइंग टू बार्गेन विद देम। सो प्लस आपका गाइड करते हो तो गाइड का फेयर, तो हाँ ये बिट एक्सपेंसिव आपको रहेगा। वो जो दूसरा जो रूट है वो आपको बिट ईजी मिलेगा, ईजीली आप क्लाइंब कर पाओगे, आपको स्टीपी रूट नहीं मिलेगा जितना मुझे इस रूट पे मिला था। तो हाँ, आप डिसाइड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर फिटनेस, अकॉर्डिंग टू हाउ यू आर गोइंग टू कोप अप विद द कंडीशन। सो हाँ, इतना ही था। तो होप बट हाँ, आप जब भी आए, अगर आप फील करते हो कि आप फिट एंड फाइन हो क्लाइंब करने के लिए, ये ट्रैक कंप्लीट करने के लिए, तो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो और आप ये ट्रैक एक अमेजिंग एक्सपीरियंस ले सकते हो इस ट्रैक का। और हाँ, ये वन ऑफ द रेप्यूटेड और काफ़ी फेमस है ट्रैक है, स्पेशली जो भी यहाँ पे आता है, जो माउंटेनियस जो हिमालयन रेंजेस जो आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हो, यही देखने के लिए यहाँ पे लोग काफ़ी दूर दूर से काफ़ी स्ट्रगल करके आते हैं। हाँ, आप यहाँ पे पहुँचने के बाद यू विल नॉट गोइंग टू रिग्रेट, ये बिल्कुल वर्थ इट है, एटलीस्ट मेरे लिए तो बिल्कुल वर्थ इट ये ट्रिक था। बट हाँ, काफ़ी टायरसम था, बट स्टिल आई एंजॉयड एंड इट्स कम्प्लीटली वर्थ इट। तो शायद जितना भी था मैं आपको इस ट्रैक के बारे में बता पाया। तो भाई साहब, अभी भी कंटिन्यू लोगों का क्लाइंब करना शुरू है, तो शायद टिल डॉन पीपल आर गोइंग टू कम एंड गोइंग टू स्टे हियर टिल द मॉर्निंग। सो कुछ बेहतरीन नज़ारा फिर से एक बार, और जितना देखो उतना कम है इस व्यू को।
स्पेशली ये पार्ट। तो भाई साहब शायद मेरा वीडियो यहीं पे कंप्लीट करता हूँ, तो शायद मैं आपको थोड़ा बहुत डिटेल बता पाया। ठीक है, बस इतना ही अभी तक के लिए। और इस शानदार ट्यून्ड ट्रैक से, इस टॉप ऑफ द माउंटेन से, इस हिमालयन माउंटेन रेंज के पास से आपको कहता हूँ अलविदा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।